शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 377 केंद्रों पर 30,243 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,587 और सेकेंड डोज लेने वालों में 18,756 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि शहर और गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाकर टीकाकरण का सर्वे कर रही है, जिससे कि कोई टीकाकरण करवाने से वंचित न रह जाए। एडिशनल सीएमओ ने लोगों से अपील किया है कि जो लोग अभी तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं वह अपना टीका अवश्य लगवा लें, और जो फर्स्ट डोज लगवाने के बाद समय पूरा होने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं तो वह जल्द से जल्द अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल पर जाकर टीकाकरण करवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा, आज कुल 350 जगहों पर कोविड का टीकाकरण कराया जा रहा है। इसमें प्रथम डोज भी है और दूसरा डोज भी है। हम घर घर हमारी टीमें जा रही हैं और लोगों से बातचीत करके टीकाकरण स्टेटस का पता लगा रही हैं। जिन लोगों का प्रथम डोज ड्यू है उनको प्रथम डोज लगाया जा रहा है, जिन लोगों ने प्रथम डोज लगवा लिया है और उनके दूसरे डोज का समय हो गया है उनको दूसरा डोज लगाया जा रहा है। मेरी समाज के लोगों से यही अपील है कि सभी लोग टीकाकरण अवश्य करा लें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कोविड का टीका गर्भवती महिलाओं को कितना कारगर? कोविड का टीका गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। यह न सिर्फ उसके लिए बल्कि उस गर्भस्थ शिशु के लिए भी बहुत हद तक कार्यरत है।